नमस्कार दोस्तों, ज्ञान टेल्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीएस का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, भारत का इतिहास, आधुनिक भारत। आज की इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा 50 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीट होने वाले क्वेश्चंस। इसके अतिरिक्त मैं सारे के सारे क्वेश्चंस की आपको अतिरिक्त जानकारी भी दूंगा। इसके बाद मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लूंगा, जिससे कि आपको यह पता चल जाएगा कि यह टॉपिक आपका कितना तैयार हुआ। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने भारत के इतिहास के ऊपर वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने वो अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? हमारे ऑप्शंस हैं 1852, 1856, 1858 या 1860। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1858। तो आपको इस क्वेश्चन को याद रख लेना है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार का अधिनियम 1858 को पारित हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में किसके लिए विख्यात है? तो हमारे ऑप्शंस हैं, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, या ऑप्शन बी पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया, या ऑप्शन सी पहली बार तिरंगा लहराया गया, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि जो 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया था, और इसे बंकिम चंद चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का यह एक अंश है, और 1937 तक यह भारत का राष्ट्रगीत रहा गया था। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको फ्रेंड्स ये क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी सर चार्ल्स मेटकॉफ, या ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड ऑकलैंड, या ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड एलनबोरो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो सर चार्ल्स मेटकॉफ थे वो 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच में भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसीलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपको सही आंसर पता चल गया होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सर चार्ल्स मेटकॉफ। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर चार्ल्स मेटकॉफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो फ्रेंड्स, इसके जो सही ऑप्शंस हैं, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज या पुर्तगाली। तो फ्रेंड, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। और अतिरिक्त जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापारी एक ये लाइसेंस है, और यह 20वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने भी नेसिसर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। तो आपको ये क्वेश्चन को याद रखना है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं, वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, ऑप्शन बी वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज में संस्थापक थे, ऑप्शन सी उन्हें राष्ट्र चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, ऑप्शन डी उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। तो फ्रेंड्स, इसमें से सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की, यह कथन हमारा गलत है, क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी, ना कि ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो ब्रह्मो समाज थी वह शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने की थी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर जो डी है वह कथन सही नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ चलते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान
रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन हैं बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भगत सिंह राजगुरु सिखदेव को मृत्युदंड, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्हें 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था, और 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, और उन्होंने इस संबंध में जेम्स फोर्ड को एक पत्र भी लिखा था। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद आहत होके लौटा दी थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए कराची अधिवेशन 1913, बी बॉम्बे अधिवेशन 1915, या सी लखनऊ अधिवेशन 1916, या डी कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो बड़े धर्मों दल और नन दल को वार्ता के में एक ही मंच पर लाया गया था, और इसको लीड किया था अंबिका प्रसाद ने, जो कि उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। तो आपको ये याद रखना है कि जो मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए लखनऊ अधिवेशन 1916 में लाया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थगित की गई थी? हमारे ऑप्शन है कोच्चि, चिंसुरा, सूरत, या चेन्नई। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं ये जो कोच्चि है यह केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है, एक फोर्ट है, और जो भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी तो इन्होंने यहाँ पे स्थापित गई थी, और इन्होंने इसका विरोध किया था। यह जल से घिरा हुआ एक स्थान है। तो फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना है, कोच्चि है इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? तो हमारे ऑप्शंस हैं हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा, या अहमदनगर। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ था। इसके लिए शुल्क था 500 पैगोडा प्रति वर्ष। तो आपको ये याद रखना है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोलकुंडा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, सलभाबाई की संधि किस युद्ध में संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन बी प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन सी द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध, या ऑप्शन नंबर डी द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सलभाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेज़ों ने सलसेत और ब्रोज पर अपना नियंत्रण कायम रखा था। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? ऑप्शंस हैं मीर कासिम, सादत अली खान द्वितीय, अली वर्दी खान, या सिराजुद्दौला। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं जो बक्सर की लड़ाई है वह 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम बंगाल के नवाब थे, जो कि अवध और नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेज़ों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया गया था। तो आपको फ्रेंड से याद रखना है, इसका जो सही आंसर है वो है मीर कासिम, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मीर कासिम द्वारा लड़ी गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का
मेगा काटा किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं वुड्स डिस्पैच, सैडलर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 या रेल आयोग। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वुड्स डिस्पैच। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं जो सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे, उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषणा पत्र भेजा था। उन्होंने यह सुझाव दिया था कि जो प्राथमिक विद्यालयों के मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। तो यह थे वुड्स डिस्पैच। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है जो भारतीय शिक्षा का मेगा काटा किसे कहा जाता है, तो वो थे वुड्स डिस्पैच। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वॉइसरॉय के द्वारा पारित किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड डार्लिंग। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिटन। मैं आपको बता दूं जो लॉर्ड लिटन थे वह 1876 से 1880 तक भारत के वॉइसरॉय थे, और फ्रेंड्स 1876 से 78 के अकाल को सही ढंग से ना संभाल पाने के लिए उनको उनके लिए बहुत बड़ी आलोचना भी की गई थी। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है इसका जो सही आंसर है वह है लॉर्ड लिटन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से किस वॉइसरॉय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? हमारे ऑप्शन हैं लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड फॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मेयो। तो फ्रेंड्स लॉर्ड मेयो भारत के पहले ही ऐसे वॉइसरॉय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इनकी जो हत्या थी वह एक पठान ने की थी 1872 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया गया था? तो फ्रेंड्स हमारे ऑप्शंस हैं आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, भारत में शिक्षा सुधार के लिए, उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी भारत में शिक्षा सुधार के लिए। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं जो लॉर्ड रियन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया। विलियम्स हंटर वॉइसरॉय की कार्यकारी परिषद में सदस्य थे। इस आयोग ने भारत के शिक्षा सुधार के लिए प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में सुधार के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए गए थे। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी भारत के शिक्षा सुधार के लिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है भारतीय टंकण पर कागजी मुद्रा अधिनियम किस वाइसरॉय ने पारित किया था? हमारे ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डफरिन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वॉइसरॉय नियुक्त किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से किस मराठा मैकियावेली कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है नाना फडणवीस, बालाजी विश्वनाथ, नारायण राव बाजीराव या संभाजी। तो इसका सही आंसर है, तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए नाना फडणवीस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो फ्रेंड्स इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्निवल्स और हैदराबाद के निज़ाम पर प्रतिनिधि, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए गए थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं।
हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच में हुआ था। बी, इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया। ऑप्शन सी, प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गई। ऑप्शन डी, इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ, यह कथन असत्य है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो इसका जो सही आंसर है वो है, ये जो पूना समझौता कथन हुआ था यह महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, परंतु इसमें लिखा है ये जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच में हुआ था, जो कि कथन गलत है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, महा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया गया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी आचार्य विनोबा भावे, या ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपको ये याद रखना है, जो महा सत्याग्रह का नेतृत्व था वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। और फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि यह 20 मार्च 1927 को भीमराव अंबेडकर ने इसका नेतृत्व किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया गया? हमारे ऑप्शंस हैं 1663, 1668, 1670 या 1679। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1668। फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे पुर्तगालियों से प्राप्त किया गया था, और इसके बाद फ्रेंड्स इन्होंने सूरत को अपने मुख्यालय से हटा के बॉम्बे को अपना मुख्यालय भी नियुक्त कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन है ईश्वर चंद विद्यासागर, आचार्य विनोबा भावे, ज्योतिबा फुले, दादू दयाल। तो फ्रेंड, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फुले। फ्रेंड्स, ज्योतिबा फुले ने 1873 को गुलामगिरी नामक पुस्तक को लिखा था, और यह पुस्तक अमेरिका में जो गुलाम की प्रथा है, दास प्रथा, उसके पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? हमारे ऑप्शंस हैं 1910, 1915, 1920 या 1925। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1915। जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उन्हें 1915 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, परंतु आपको यह पता होगा कि जलियांवाला हत्याकांड के बाद उन्होंने यह उपाधि को वापस भी कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हमारे ऑप्शन हैं महात्मा गांधी, जे बी कृपलानी, सरोजिनी नायडू या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी जे बी कृपलानी। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे जे पी कृपलानी, तो आपको ये याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? 1902, 1861, 1906 या 1910। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1906। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं, जो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कृतिगम ने की थी, और फ्रेंड्स 1906 में इसे स्थायी संस्था बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो इसके ऑप्शंस हैं 1941, 1942, 1943 या 1945। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1943। जो तो सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने अंतरिम सरकार की स्थापना 1943 को की थी। फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं, जो 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ए हिंद नामक अंतरिम संस्कार की स्थापना की थी। इस सरकार का समर्थन पूरी राष्ट्र जापान, नाजी जर्मनी, इटली और उनके सहयोगियों ने किया था। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया था। राज बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार भी बनाया गया था। तो आपको ये याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना 1943 में की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत
नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या होम रूल आंदोलन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आलोंदर सॉरी आंदोलन। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसके अतिरिक्त आपको बता दूं कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर हुई। गांधी जी ने दांडी के नमक पर बनाकर ब्रिटिश सरकार को नमक कानून को तोड़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया? ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, जयप्रकाश नारायण या अच्युत पटवर्धन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए राम मनोहर लोहिया। तो फ्रेंड्स इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं जो राम मनोहर लोहिया हैं उनका जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और सह संस्थापक भी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, नजीमुद्दीन अली खां। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी मीर जाफर। जो बक्सर की लड़ाई है उसके बाद बंगाल के जो नवाब की गद्दी पर बिठाया गया था वो थे मीर जाफर। इसके अतिरिक्त मैं बता दूं जो फ्रेंड बक्सर की जो लड़ाई थी वो 1764 में हुई थी और इसके बाद फिर मीर जाफर नवाब बने। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, स्वदेश बंधक की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अश्विनी कुमार दत्ता, बाघ जातीन, भावभूषण मिश्र मित्रा, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अश्विनी कुमार दत्ता। इसके अतिरिक्त मैं बता दूं आपको फ्रेंड्स स्वदेश बंधन समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य स्वदेश उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पाद का बहिष्कार करना था। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड एलन बोरो। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, स्वराज हा माजा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिलाविनाच। मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थापना पर की थी? ऑप्शन ए पुणे जेल, ऑप्शन बी येरवडा जेल, ऑप्शन सी कोर्ट में या ऑप्शन नंबर डी मांडले जेल। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने जेल में नहीं कोर्ट में की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? तो फ्रेंड्स इसके जो ऑप्शन है कानपुर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, भागलपुर षड्यंत्र या अलीपुर बम केस। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी लाहौर षड्यंत्र। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं जो लाला लाजपत की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, जयपाल और सुखदेव ने पुलिस प्रमुख स्कॉट की हत्या का षड्यंत्र रचा, परंतु उन्होंने जेपी सॉर्डन्स को गोली मारी जिसके उसके मौके पर ही मौत हो गई थी। इसीलिए यह लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। हमारा 34 क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? भारत, सिंगापुर, जापान या जर्मनी। इसका सही उत्तर है, उसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर। फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस और राज बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज जिसे कहते हैं हम उसकी स्थापना सिंगापुर में 1943 में की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं, गुरमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन ए गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन सिंह या गुरु हरि राय। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए गुरु अंगद। फ्रेंड जो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने शुरू गुरु नानक की रचनाओं संकलन किया और उन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास भी किया था। तो आपको इसका उत्तर याद रखना है, इसका सही आंसर है गुरु अंगद। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, बारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? इंडियन ओपिनियन, जुगांतर, गदर, महारत्ता। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी
जुगांतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, 1946 में तेबेगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या उड़ीसा? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय है वह तमिलनाडु में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी लाहौर, सी दिल्ली या डी कराची। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। तो फ्रेंड्स 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और पूर्ण स्वराज प्रस्तावित पारित करने के एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा भी जारी की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, ढाका में स्थित अहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? मुस्लिम लीग की स्थापना, पाकिस्तान प्रस्ताव, जिन्ना गांधी वार्ता या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग की स्थापना। इसके अतिरिक्त मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, जो मुस्लिम लीग की स्थापना थी वो 1906 में ढाका में आगा खान द्वारा की गई थी। और फ्रेंड्स लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। आरंभ में इसका जो उद्देश्य था वह मुस्लिमों के अधिकार की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग देश एक पाकिस्तान की ना मांग की थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए अनुशीलन समिति, इंडिया हाउस, जुगांतर या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुशीलन समिति। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हेनरी विवियन डेरोजिया, ऑप्शन बी मधुसूदन दत्ता, ऑप्शन सी मदन मोहन तरंकार, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ टैगोर। तो फ्रेंड इसका जो सही उत्तर है वो है हेनरी विवियन डेरोजियो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर या शुजाउद्दौला। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं, जो सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था, 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी की लड़ाई में उनकी हार हो गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? बड़ौदा, अकाट, कुर्ग, हैदराबाद। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है बड़ौदा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? ऑप्शंस हैं, भारत का राष्ट्रगीत पहली बार गाया गया, ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया, भारत का तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया या डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रगीत पहली बार गाया गया। फ्रेंड इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि जो वंदे मातरम की रचना थी वह बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप से संस्कृत में की थी। वंदे मातरम उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। यह उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? जनगण मन, भारत भाग्य, भारत भाग्य विधाता या भारत विधाता। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, भारत विधाता। इसके अतिरिक्त मैं आपको जो बता दूं फ्रेंड्स, भारत का जो राष्ट्रगान की रचना थी वह रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बंगाली में की थी और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी रूप को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया। इस राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था?
तो हमारे ऑप्शंस हैं 1911 कलकत्ता, 1912 लखनऊ, 1913 दिल्ली या 1914 बॉम्बे। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1911 कलकत्ता। जो भारत का राष्ट्रगान था वो पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में द्वारा गाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ या झारखंड? तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं जो फ्रेंड्स प्लासी की लड़ाई थी वह 23 जून 1857 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? पटना, कलकत्ता, लखनऊ या चेन्नई? तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता। तो फ्रेंड्स इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं जो विधानसागर सेतु का दूसरी हुगली सेतु भी कहा जाता है और इस सेतु का जो नाम है वह समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर के नाम पर रखा गया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया गया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती। फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और वे संस्कृत और वेदों के प्रकांड विद्वान थे। भारत में वेदों की छपाई और उनके संरक्षण में पहली बार शुरू हुई थी और सत्यार्थ प्रकाश में उनसे उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक थी। और वेदों की ओर लौटो का नारा फ्रेंड्स हमें स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, यह आप याद कर लें। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे भारत के इतिहास के आधुनिक भारत के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड थे, तो आशा करता हूँ कि आपने ये सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में याद कर लिए गए थे। और मैंने इसके अतिरिक्त आपको हर क्वेश्चन के एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानकारी दी, जिससे कि अगर यह क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आता है तो आप उसका आंसर सही से दे सकें। और फ्रेंड्स ये कहने के लिए 50 क्वेश्चन थे, परंतु मैंने इसके आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता के आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर क्वेश्चन में और भी कवर किए। तो फ्रेंड्स अब मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ जिसमें 5 प्रश्न हैं। अगर आपको उसका आंसर पता है तो प्लीज़ हमें जवाब कमेंट बॉक्स में दें। तो हमारे क्वेश्चंस हैं, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? 1852, 1856, 1858 या 1860? हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया, पहली बार तिरंगा लहराया गया या इनमें से कोई नहीं? हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलन बोरो। हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कार्ताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज या पुर्तगाली? हमारा लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह इंडियन नेशनलिस्ट एसोसिएशन के सह संस्थापक हैं, वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। तो फ्रेंड्स ये थे टेस्ट के 5 क्वेश्चंस, आप इनके आंसर्स अगर आपको पता हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। फ्रेंड्स अगर आपने ये क्वेश्चन को अच्छे से नहीं देखा है तो आप वीडियो को पॉज करके भी इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं और आपको इनके आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में देने हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर देके आपको यह पता चल जाएगा कि यह टॉपिक आपको कितना तैयार हुआ। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने भारत के इतिहास के आधुनिक भारत के 50 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को डिस्कस किया। उसके बाद मैंने आपका उसका रिवीजन भी करा दिया और उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए। इसके बाद मैंने आपको 5 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट दिया है जिसके आंसर्स को आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं जो कि भारतीय इतिहास के ऊपर और जनरल नॉलेज के ऊपर मैंने बनाई हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज़ उन्हें जाके देखें। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।